कैसी आ गई परिस्थिति, डरावना लग रहा प्रत्येक आदमी। क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना लाजमी। कोरोना से जंग में देना है सांप, सांप में हाथ नहीं। यमराज के वेश में देश विदेश में घूम रहा ये वायरस, केस अनेक हैं फिर भी अंधेरे में क्यों होना लायक। शायद सीधी बातें समझ ना आती है तुमको, गर्लफ्रेंड याद आ रही कुछ पल भूल जा उसको। उसूल सीख और सिखा आता ना जिसको, हाथ को धोना है मल मल के सज दज के। निकलना ना बार लॉकडाउन है ना कोई हॉलीडे, यूज कर सैनिटाइजर जो अल्कोहलिक है। पल पल में लोग मर रहे हैं इडली में सिकले पे, सांस की कमी है सिम्टम एक जानते क्योंकि संख्या कम चिकित्सक। मास्क लगाओ नहीं तो बाण में जाओ, बाण में जाओ पर भीड़ भाड़ में नहीं। अपने से बीच हुआ छूत बनाओ, घर पे तुम कहो पर फुटपाथ पे नहीं। यारों की यारी ना आएगी काम जो करो ना पहुंचा एक ही स्मशान। खाना पान के करो कम खरीदारी, लाखों खाना दान है परेशान। Yeah! Wow! तो आंटी नहा के जब बाहर, बाल सुखाना हो बाहर ना जाना। इन्फेक्टेड जमाना तो पता ना हमारी कब तक जमाना, तो बड़े बुजुर्गों को बाहर ना जाने दो। संदेश मेरा ये है तुम नौजवान को। Yeah! तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो बात ऐसी है कि आप बाण में जाने दो अपने यारों को, अपनों को, महबूबा को या महबूबाओं को, बस कुछ दिनों के लिए। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें उनकी ही भलाई है। और हाँ, अगर रिश्तेदारी निभानी है तो कृपया फोन पर निभाए, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं आपको जागरूक करता हुआ एक लेखक आदित्य नारायण उर्फ कलम। एक मिनट, पता है कोई बाहर निकल जाए तो उसे क्या बोलना है? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी।